हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मैं बात करूंगा फोकस राइट के ऑडियो इंटरफेस के बारे में। फोकस राइट जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेलिंग ऑडियो इंटरफेस मानी जाती है। तो क्या इसको इतना खास बनाता है और मतलब लोग क्यों इसको प्रेफर करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मेरे पास आज है 2i2 थर्ड जेन। तो पहले डिजाइन देखते हैं। तो फ्रंट में आप देख पाएंगे यहाँ पे स्कारलेट 2i2 लिखी हुई है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट 1। ये कॉम्बो है जैक, जिसमें आप XLR भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एक क्वार्टर इंच यूज कर सकते हैं, और उसकी गेन लेवल यहां से आप सेट कर सकते हैं। गेन के साथ में आप एक देखेंगे कि एक वाइट सी LED इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करती है कि आपका जो सिग्नल है वो क्लिप कर रहा है, येस और नो। नीचे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टर है, या तो आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप एयर मोड में जा सकते हैं। एयर मोड के बारे में मैं कुछ देर बाद बता रहा हूँ, जब स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 जो है वो भी एक कॉम्बो इनपुट है, एंड उसकी भी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टर है या फिर एयर मोड आप ऑन कर सकते हैं, और इसकी गेन नॉब है। उसके बाद आती है 48 वोल्ट की एक छोटी सी एक्टिवेटर, जिससे आप 48 वोल्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। ये दोनों में एक साथ एक्टिवेट होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर है डायरेक्ट मॉनिटरिंग, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है मॉनिटर, जो आपका बेसिक स्टूडियो मॉनिटर है उसका जो है वॉल्यूम आउटपुट वो पूरा इससे जाता है, ये बड़ी जो डायल है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वार्टर इंच की आप एक हेडफोन की जैक है, जिससे आप हेडफोन आउटपुट ले सकते हैं, और उसकी इंडिविजुअल नॉब है वॉल्यूम। तो ये है फ्रंट पैनल। लगभग फ्रंट पैनल में सब कुछ है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकस राइट की ब्रांडिंग है। पीछे आते हैं तो एक USB-C पावर्ड है आप देख सकेंगे, और एक बैलेंस आउटपुट है क्लियर राइट लेफ्ट। बस ये बहुत ही नीटली डिजाइंड ऑडियो इंटरफेस है, और मेटल की है, हेवी है, थोड़ी हेवी है पर कॉम्पैक्ट है, और ये बहुत स्टर्डी लगती है और चलती भी बहुत दिन है। मतलब आप अगर देखेंगे तो इसकी एक हिस्ट्री है कि आप अच्छे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियो से लेके होम स्टूडियो तक इस ऑडियो इंटरफेस को पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके प्रीएम्प्स बहुत अच्छे हैं। मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और मैं ऑडियो की सैंपल भी दूंगा, इसमें आपको ये पता चलेगा कि बेसिक रिकॉर्डिंग एंड एयर के संग क्या डिफरेंस है। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि थर्ड जनरेशन में इनकी जो पीएम है वो सबसे अच्छी है अभी तक की यूज़ की हुई, और ये जो रिकॉर्ड करती है ये 24/192 किलोहर्ट्ज़ पे रिकॉर्ड करती है। ये 2 in 2 out USB पावर जो ऑडियो इंटरफेस है, तो इसके अलग से कोई पावर नहीं लगती। आप देख सकेंगे यहाँ पे USB पावर इससे हो जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट वॉल्यूम सिलेक्टर है हेडफोन की, तो उससे क्या होता है कि आप जब डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं या वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे कोई लेटेंसी नहीं आती है। और लेटेंसी की इशू फोकस राइट में एक्चुअली है भी नहीं। इसका जो बैलेंस आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है। इसके जो सॉफ्टवेयर बंडल्स मिलते हैं वो एविट के प्रो टूल्स मिलता है, प्रो टूल्स फर्स्ट एबल्टन लाइव लाइट मिलता है, एक्सेलन ऑडियो की एडिटिव कीज मिलती है, सॉफ्ट ट्यूब के कुछ प्लगइन्स मिलते हैं, और फोकस राइट का रेड प्लगइन सूट मिलता है। साथ ही में इसमें बहुत सारे VSTs और इफेक्ट्स मिलते हैं। ये जो है सपोर्ट करती है मैक एज वेल एज PC। ये जो एयर मोड है इसके सबसे स्पेशल फीचर है, बेसिकली वोकल के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे एकॉस्टिक गिटार्स हुए, इन सब के लिए अगर आप एयर मोड पे इसको रिकॉर्ड करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि ओपननेस आता है एक साउंड में, एक रिकॉर्डिंग में, एज वेल एज ब्राइट टोन होता है। तो इसकी मैं एक सैंपल आपको दे रहा हूँ, आप उसे सुनिए और आप खुद डिसाइड कीजिए। एयर ऑफ, हेलो चेक 1 2 3 4, हेलो चेक 1 2 3 4। एयर ऑन, हेलो 1 2 3 4, चेक हेलो चेक 1 2 3 4। पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं इसकी। सबसे पहली बात है कि इसके जितने भी फीचर्स हैं सभी अच्छे हैं, पर एयर जो मोड है इसका एडवांटेज पॉइंट है ओवर द अदर कंपटीटर्स, क्योंकि इससे रियली आपका जो एटलीस्ट वोकल जो है मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है, और इससे एक अलग ही एक
ब्राइटनेस आती है आपके रिकॉर्डिंग में, पहला बात। दूसरा बात यह है कि लेटेंसी जो है इसमें कोई इशू नहीं है और ये बहुत स्टर्डी है, ये बहुत टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट है। ये सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी रेकमेंड करते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। ये दूसरी बात। थर्ड हुआ इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो टोटल जो बंडल आता है इसका, आप देख लीजिए प्रो टूल से लेके शुरू करके जितने सारे भी आपके प्लगइन सूट हैं, जितने भी चीज़ है, ये इसकी एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो एक है कि इस प्राइस पॉइंट में इसमें कोई मिडी इन आउट नहीं है। देखिए पीसी से जो ऑडियो इंटरफेस की कनेक्शन है उसके लिए जो केबल दी हुई है ना, ये बहुत शॉर्ट है, ये थोड़ी बड़ी होती तो बेहतर होती है, ये एक और डिसएडवांटेज है। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्राइस पॉइंट में इसको खरीदना चाहिए, येस और नो। इसके ऑडियो इंटरफेस का क्वालिटी रिकॉर्डिंग का बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बैलेंस्ड है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आप विश्वास कर सकते हैं इस पे कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। तो जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस की बात है, रिलायबिलिटी की बात है, तो मैं इसे डेफिनेटली येस कहूँगा। आप मुझको नीचे कमेंट करके बताइए कि ये जो एयर मोड है आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियो, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एक और वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।